दलित साहित्य एवं संस्कृति मंच के तत्वावधान में रविवार को गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सभागार में हरिशरण गौतम द्वारा अपनी आत्मकथा पर लिखित पुस्तक आधी रोटी का विमोचन किया गया, जिसके संबंध में पुस्तक के लेखक हरिशरण गौतम ने बताया कि आधी रोटी पुस्तक खुद की आत्मकथा पर आधारित है। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक में जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन सभी बातों को दर्शाया गया है। उन्होंने कहा इस पुस्तक से नई पीढ़ी के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पुस्तक के लेखक हरिशरण गौतम ने कहा, हम लोग आज जिस मुकाम पे हैं, जिस स्थान पे हैं, श्रद्धा कहानी उपन्यास या संस्मरण के रूप में उसको एक गति दे दिया हिंदी का अलग के। इन सब विषयों पे हम लोग बात करेंगे और गंभीर चर्चा का विषय है भी ये, क्योंकि इतना समृद्ध दलित साहित्य को आत्मकथा ने किया है। आत्मकथा मुझे लगता है कि हमारे समाज का हर व्यक्ति यदि अपनी आत्मकथा लिखे तो वह एक विस्तृत उपन्यास होगा, खासतौर से वह राजनीति जिसके अंदर कठिनाइयों को झेलते हुए समाज के लिए कुछ करने की अवधारणा रही हो, संघर्ष करने की आमादा रही हो, वह व्यक्ति निश्चित रूप से जो है वो जब अपनी आत्मकथा लिखेगा तो वो एक बेहतर उपन्यास होगा। मैंने इस हिसाब से नहीं लिखा है, मैंने तो केवल जो जीवन जिया है, कदम कदम पर जो परेशानियां आई हैं मेरे सामने, उन परेशानियों को झेलते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया है, उसी को हमने लिखा है। इस पुस्तक को प्रकाशित करने के पहले मैंने दो विद्वानों को भेजा था इसकी प्रति, विश्वविद्यालय के पूर्व हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर जनार्दन को और एक हमारे बीच LIC में अफसर रहे श्री सुरेश चंद जी, जो अब नहीं है, कोरोना काल में बड़ा दुखदायी रहा उनका निधन। तो डॉक्टर जनार्दन पढ़ने के बाद हमसे एक घंटा तक बात की, उसमें उन्होंने एक चीज पर बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया कि भाई गौतम जी, आपने इतनी सारी कठिनाइयां जो झेला है, उन कठिनाइयों को झेलने के लिए आपको शक्ति कहां से मिली? हमने उनको स्पष्ट किया कि सर, ये शक्ति केवल मेरा आत्मबल थी और उस आत्मबल के ही सहारे में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ा। थोड़ा सा और क्लोज हो जाए, ये गोरखपुर के लिए भी एक ऐतिहासिक मौका है। दलित राज कथाओं की श्रेणी में ये दूसरी आत्मकथा है जहाँ तक मुझे संज्ञान है, इसके पहले गुमराहा नाम से एक आत्मकथा ही नहीं, लेकिन वो दलित आत्मकथा नहीं है ना, नहीं आत्मकथा है तो बहुत आई है। हरिशरण गौतम आधी रोटी क्या उद्देश्य?
या एक्चुअली मेरी आत्मकथा है जो मैंने बचपन से लेकर के और अब तक का जो जीवन जिया है और जगह जगह समय समय पर जो है कदम कदम पर जहाँ जहाँ जो भी जो है मुझको समस्याएं झेलनी पड़ी हैं, जो कठिनाइयां झेलनी पड़ी हैं, जो तमाम जो समाज में विसंगतियाँ हैं, वर्णवाद हैं, उसको झेलना पड़ा है, उसी को मैंने और जो अपने विकास के लिए मैं सतत प्रयास किया उसको मैंने इसमें पिरोने का कार्य किया है। कितनी प्रेरणा मिलेगी पुस्तक से? मुझे लगता है कि हमारी पीढ़ी का तो एक लगभग इतिहास है, लेकिन जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि वो जान पाएंगे कि हमारे पूर्वजों ने कितना झेला है, कदम कदम पर जो है जो भी समस्याएं आई हैं उनके सामने किस तरह से उसको हल किया है आगे बढ़ने के लिए।